नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, नई संसद। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है सांसद का संसद में प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि उपयोग और सांसद के तौर पर आपका विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके स्कोर कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद से लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू का रिपोर्ट कार्ड। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महासमुंद लोकसभा का बड़ा रोल दिख रहा है। 1952 से अब तक 17 चुनाव में 11 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी की जीत हुई है। महासमुंद लोकसभा सीट की पहचान दिग्गज कांग्रेसी नेता विद्या चरण शुक्ल से होती है। अजीत जोगी और श्यामाचरण शुक्ल भी इस सीट से सांसद रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला रहा है हमेशा, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां की फिजा बदली। बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत हुई, जिया मजबूत की। वैसे महासमुंद लोकसभा सीट पर विकास की रफ्तार धीमी है। शहरी क्षेत्रों में विकास ज्यादा है, जबकि गांव में पिछड़ापन आज भी दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे सांसद चुन्नीलाल साहू का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। महासमुंद की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आखिर कितने नंबर दे रही है। और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद चुन्नीलाल साहू के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। महासमुंद लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ में महासमुंद अपनी सांस्कृतिक इतिहास के लिए फेमस है। प्राचीन काल में दक्षिण कोशल की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ बड़ी संख्या में मंदिर हैं, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से लोगों को आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महासमुंद लोकसभा का बड़ा रोल दिखता रहा है। वर्तमान में महासमुंद लोकसभा से बीजेपी के चुन्नीलाल साहू सांसद हैं। 1952 से अब तक 17 चुनाव में 11 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी की जीत हुई है। महासमुंद लोकसभा सीट की पहचान दिग्गज कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल से होती है। अजीत जोगी और श्यामाचरण शुक्ल भी इसी सीट से सांसद रहे हैं। देखते हैं महासमुंद लोकसभा सीट का इतिहास।
1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से श्यामा चरण शुक्ल यहाँ से सांसद रहे। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस से अजीत जोगी सांसद बने। इसके बाद 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चंदूलाल साहू यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुन्नीलाल साहू यहां से सांसद चुने गए हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला दिखता रहा है। महासमुंद लोकसभा सीट पर विकास की रफ्तार धीमी है। विकास का पैमाना हर विधानसभा में अलग अलग दिखता है। शहरी इलाके में विकास ज्यादा है, जबकि गांव में पिछड़ापन बरकरार है। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, बिंद्रावागढ़, पुरुद और धमतरी। विकास के लिए भले ही महासमुंद लोकसभा तरस रहा हो, लेकिन यहां की जनता अभी भी जातिगत समीकरण से बाहर नहीं निकल पाए हैं। साहू जाति की वोटर्स यहां सबसे ज्यादा है। यहां करीब 13 लाख मतदाता हैं। देखते हैं यहां की वोटर्स समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी 14%, ग्रामीण 86%, SC 13% और ST 28% हैं। महासमुंद लोकसभा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी है। इस लोकसभा की जनता बुनियादी सुविधाओं के अभाव में है। कई समस्याओं का सामना यहां के लोग सालों से कर रहे हैं, मसलन चरम बेरोजगारी, नक्सल आतंक, पलायन, पेयजल का संकट, लोकल सड़कें बेहाल, शिक्षा स्वास्थ्य लचर, कनेक्टिविटी की दिक्कत, महिला सुरक्षा और अपराध में इजाफा हुआ है। 2024 का आम चुनाव महासमुंद लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहां की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं महासमुंद से बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसी है महासमुंद लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, किस आधार पर यहाँ की जनता यानी वोट करती है, वोटिंग होती है। वही जनता कई पैमानों पर सांसद चुन्नीलाल साहू का रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी जुटी है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है, संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद चुन्नीलाल साहू करीब 88% उपस्थित रहे हैं, 88% सदन में, महासमंद और देशहित में सांसद चुन्नीलाल साहू हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में चुन्नीलाल साहू ने 60% सवाल पूछे हैं जो महासमंद लोकसभा क्षेत्र और देशहित से जुड़े रहे हैं। वहीं अगर सांसद निधि की बात करें जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्य यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए MPLAD फंड यानी 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद चुन्नीलाल साहू करीब 95% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, 95%। पिछले 5 साल में महासमंद में किए गए विशेष काम और देशहित में इनका योगदान भी बेहतर, काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 75% उनका विशेष योगदान यानी कि चुन्नीलाल साहू का दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू को 10 में से मिलते हैं पूरे 7.5।
9 नंबर जो बहुत ही शानदार कहा जा सकता है, ये अंक 10 में से 7.9 नंबर। तो आपने देखा महासमुंद के सांसद चुनीलाल साहू को सांसद के तौर पर संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर बाद, बस थोड़े से इंतजार के बाद आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी महासमुंद लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले महासमुंद की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। 4 साल जो सांसद जी के कार्यकाल रहे हैं काफी अच्छे रहे हैं। निश्चित तौर पे केंद्र के अनुसार उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। वो अपने कार्यों को बहुत ही सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। ऐसे उनका ऐसे कार्यकाल जो है ऐसे संतोषप्रद है और आने वाले समय में भी वो अच्छा कार्य करते रहेंगे, इनकी संभावना है। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ सांसद जी श्री चुन्नीलाल साहू जी काफ़ी अच्छे सांसद यहाँ से चुन के आए हैं। श्री चुन्नीलाल साहू जी सांसद जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है काफ़ी। मेरे अनुसार हैं वैसे मोदी फैक्ट्री ही काम करेगा। 4 साल सांसद का कार्यकाल तो ठीक रहा, इस नाम से ठीक रहा कि मोदी जी के नाम से ठीक रहा तो है सर। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते। सांसद जी के कार्यकाल में लगभग एक भी ऐसी उपलब्धि वाला कोई काम नहीं हुआ है। साधारण है, सामान्य है। सांसद जी तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ बनने के बाद चुनाव तक बस दिखे थे, उसके बाद से लोकसभा क्षेत्र से खासकर हमारे महासमुंद क्षेत्र से तो गर्मदारद हैं। खुश तो नहीं है उससे, हम कार्यकाल ऐसी है, साधारण है। सांसद का कार्यकाल देखा जाए तो मेरे हिसाब से उसका माइनस पॉइंट है। तो जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम पर चुन्नीलाल साहू को 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा कतई नहीं, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब महासमुंद लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 66%, 66%, नहीं कहने वाली 30%, और पता नहीं यानी डोंट नो 14%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, जी हाँ 60%, नहीं कहने वाली 29%, और पता नहीं 11%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 72%, नहीं कहने वाली 16%, और पता नहीं 12%। चौथा सवाल, अहम सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप आखिर किस आधार पर वोट करेंगे? ए मोदी फैक्टर 40%, बी सांसद फैक्टर 31%, सी पार्टी फैक्टर 24%, और डी पता नहीं 5%। पांचवा और आखिरी सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? अहम सवाल, हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%। महासमुंद लोकसभा सीट की जनता ये मानती है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर 75% काम करेगा, नहीं कहने वाली जनता 14%, और पता नहीं 11%। महासमुंद लोकसभा की जनता ने 5 सवालों का जवाब बड़े ही खुले दिल से दिया है। सांसद के काम से अधिकतर लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। सांसद को दोबारा वोट देने पर ज्यादातर जनता सहमति भी जता रही है।
साफ है उम्मीदवार बदलने के पक्ष में यहाँ की जनता नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा महासमुंद लोकसभा की जनता के लिए सांसद फैक्टर के साथ साथ मोदी फैक्टर भी काफी अहम है। हमारे एक सवाल में ही मोदी फैक्टर पर वोट देने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा दिख रही है। महासमुंद लोकसभा की जनता अपने सांसद चुन्नीलाल साहू को 10 में से दे रही है 6.8 नंबर, जो अच्छा कहा जा सकता है 10 में से 6.8। आइए, वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको पिछले 45 यानी कि आप 4:45 यानी 15 मिनटों से है। अब जानते हैं सांसद चुन्नीलाल साहू के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल, संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 7.9 नंबर मिले। वहीं महासमुंद लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए इस आधार पर 10 में से 6.8 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए, दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद चुन्नीलाल साहू जनता की उम्मीदों पर सटीक बैठ रहे हैं। जी हां, महासमुंद की जनता ने सांसद चुन्नीलाल साहू के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। महासमुंद लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया है, जिसमें महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू पास हैं। चुन्नीलाल साहू पास हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें छत्तीसगढ़ महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू पास हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर यहां की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी कि कल फिर मुलाकात होगी एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत।